डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ सोशल साइंस में हमारा टॉपिक है फ्रंट रिवॉल्यूशन, जो हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। इन फ्रेंच कॉलोनीज डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पहले देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से पूरी दुनिया में एक चेंज आई और हर एक तबके ने एक राहत की सांस ली कि हमने देखा कि जोकोबिन कल्ब्स जो एक रिवॉल्यूशनरी मोमेंट थी और इन्होंने अपनी जो रिवॉल्यूशन शुरू किया था और रिवॉल्यूशन में एक अहम किरदार उनका रहा है, तो इन्होंने आखिरकार एक ऐसी गवर्नमेंट फ्रांस में बनाई, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जिसको हम एक ऐसी असम्बली तश्कील दी जिसको हम जो नेशनल असम्बली यानी एक रिपब्लिकन असम्बली के तौर पर वो सामने आई कि जिसमें हर एक अब इंसान जो था उसको अब राइट्स मिलते थे। अब जो गवर्नमेंट थी, ये एक नोशन था कि गवर्नमेंट जो है इसको बनाने में आम इंसान का साथ है और ये अब कोई मोनार्क और ये कोई एरिस्टोक्रेटिक रूल या कोई एक इंडिविजुअल ही हुकूमत को सारे पावर्स एक इंसान के हाथ में नहीं रह सकते हैं ज़्यादा देर तक, और इस तरह से ये स्लेवरी जो है इस डिक्टेटरशिप को, इस मोनार्की को ख़त्म किया गया। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से जोकोबिन्स की रिजीम जो है वो उसने जो रिफॉर्म्स वहाँ किए और वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स उनके जो रहे वो ये थे कि इक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल इन इक्वल राइट्स ऑफ मैन। जैसा कि फ्रेंच सोसाइटी में देखते थे वहाँ क्लासेस थे, वहाँ जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो हायर क्लास था यानी क्लर्जीज या नोबल्स, और वो जो उनको कुछ बर्थ प्रिविलेजेस थे, इनको मुराद थे, उनको कंसेशंस थे, वो टैक्स से एब्जेम्प्टेड थे और टैक्स जो है ये देना पड़ता था सिर्फ थर्ड स्टेट को, जिसमें बिजनेसमैन और ये कुछ मिडिल क्लास हुआ करते थे, प्रोफेशनल्स हुआ करते थे। लेकिन अब नेशनल असम्बली बनने के बाद, नई हुकूमत आने के बाद, ये जो बर्थ राइट्स थे, ये जो प्रिविलेजेस थे, ये प्रिविलेजेस ख़त्म हो गए और आखिरकार एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहाँ बनी। फिर हम देखते हैं कि असल में ये एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी स्लेवरी का रूल तो बहुत देर तक फ्रांस में चलता रहा। जैसा कि हम देखते हैं कि असल में सबसे बड़ा चीज़ जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो सबसे ये जो लैंडमार्क है वो यह है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी ये जो अचीवमेंट हम कहेंगे, लैंडमार्क कहेंगे, कि स्लेवरी जो है ये एबॉलिश हो गई, ये ख़त्म हो गई। तो असल में जो हम देखते हैं कि ये फ्रेंच सोसाइटी जो है, तो फ्रेंच सोसाइटी जो है इसकी भी कुछ अपनी कॉलोनीज थी, जिस तरह और यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनीज थी, ओवरसीज कॉलोनीज थी, और इस तरह से फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच नेशन की भी अपनी कॉलोनीज थी, डिफरेंट ओवरसीज कॉलोनीज थी अफ्रीका में और दूसरे ये जो मतलब कंट्रीज़ हैं वहाँ इनकी कॉलोनीज थी। तो अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो इनको जहाँ जहाँ ये फ्रेंच सोसाइटी को यानी फ्रेंच फ्रांस को जहाँ जहाँ अपनी कॉलोनीज थी, तो वहाँ जो था इन कॉलोनीज से ये अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो लाया करते थे, इंडिगो, शुगर एंड टी, इन चीज़ों की शॉर्टेज थी यूरोप में, इन यूरोपियन कंट्रीज में इंडिगो, शुगर एंड टी की शॉर्टेज थी। तो
ये चीजें अब इन्हें अब कॉलोनियों से ही हासिल होती थी। अब ये कॉलोनियां जो थी, लेकिन अब इन चीजों को वह लाने के लिए, यूरोप तक पहुंचने के लिए और इन चीजों को कल्टीवेट करने के लिए, इन इस ट्रेड पर कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज को ये लाजिम था कि लेबर्स की जरूरत थी। अब लेबर्स जो थे, क्योंकि ये दूर दराज इलाके थे, ये डिस्टेंट एरियाज थे, यूरोपियन पीपल इसके लिए तैयार नहीं थे, यूरोप से इनको लेबर अवेलेबल नहीं हो सका। जब यूरोप से लेबर अवेलेबल नहीं हो सका तो फिर इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एक एक थ्री टायर, तीन किस्म की, यानी अब अफ्रीका अफ्रीका अमेरिका एंड यूरोप, अब ये तीन ममालिक मिलकर जुड़ गए और इन्होंने एक ऐसा वे आउट निकाला कि इस ट्रेड पर कब्जा करने के लिए हमें कैसे अब लेबर्स जो हैं, लेबर्स को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इन्होंने अब फ्रेंच सोसाइटी जो है, अब अमेरिका ने भी इनका साथ दिया। अब इन्होंने एक काम किया कि अब इन्होंने इन जो कॉलोनीज इनकी थी, इन कॉलोनी से इन्होंने लेबर्स को लाया और ये जो लेबर्स जो थे, इन लेबर्स को यहाँ से अब इन्होंने वसूल किया, कलेक्ट किया। और वो कैसे हुआ, ये अफ्रीकन कंट्रीज यानी फ्रेंच, ये जो मर्चेंट्स थे, फ्रेंच मर्चेंट्स इन कॉलोनीज में गए और वहाँ के जो चीफ टेन्स होते थे, चीफ टेन्स यानी, क्योंकि ये कॉलोनी जो होती हैं, इन कॉलोनीज में इनके अपने अपने हेड्स होते थे, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो चीफ्स होते हैं किसी क्लान के, किसी ट्राइब के चीफ्स, उनको हम चीफ टेंट्स कहते हैं। और ये चीफ जो होता है, ये कॉलोनी का, इसको गवर्नमेंट के साथ एक लेजन होता है, ये गवर्नमेंट को लेबर्स और बाकी चीज फराहम करता है, कभी ट्रूप्स भी फराहम करता है। और इस तरह से अब बिजनेसमैन यहाँ गए इन कॉलोनीज में, यहाँ से इन्होंने लेजान किया इन चीफ टेंस के साथ, और इनसे अब गरीबों और इन अफ्रीकन लोगों को यहाँ से ये जो ट्रेड के लिए लाया, यानी एज स्लेव लेबर्स के तौर पर लाया, इन चीफ्स के जरिए से इन्हें यहाँ के लोकल से अब लेबर्स हासिल हुई। अब ये एक इन लेबर्स, ये लेबर्स बेचारे गरीब होते हैं, क्योंकि इन पर एक कंट्रोल होता है इन चीफ्स का, ये चीफ्स की इन बातों को इनकार नहीं कर सकते हैं, चीफ्स बेचारे जो इन्हें कहें, चीफ्स इन गरीबों को, इन लेबर्स को, तो ये बेचारे मजबूर हो जाते हैं, ये इनके मातहत होते हैं, इनका ये जो लेवलीहुड है, ये इनके मतलब ये डिपेंड होते हैं बेचारे, हर चीज के लिए ये इनके मोहताज होते हैं। तो इस तरह से ये चीफ जो हैं इनको ले जाते थे, और इस तरह से बिजनेसमैन ने इन लेबर्स को जहाजों में लेकर तकरीबन 3 months वोवेज, सी वोवेज 3 months, यहां से इन्होंने अफ्रीकन कंट्री से इन लेबर्स को, स्लेव लेबर्स को लेकर इन बेचारों को जहाजों में बांधकर और इन्हें ये जो पैक करके इन्हें लिया गया, और 3 months वो वे जो था समंदरी सफर में 3 महीने मुसलसल इनको चलना पड़ा अटलांटिक ओशन से, फिर इनको कैरिबियन पहुंचाया गया, जो कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के साइड में एक आइलैंड ग्रुप है, तो वहां कैरिबियन में इनको पहुंचाया गया, वहां इनको प्लांटेशन ओनर्स के हाथ बेचा गया और वहां बेचारे ये काम पर लगाए गए। और इस तरह से ये स्लेव ट्रेड जो है, ये जो अफ्रीका की जो ग्रोइंग डिमांड थी इंडिगो, शुगर एंड टी की, अब जब ये लेबर्स जब यहाँ प्लांटेशन में पहुंचे और यहाँ अब ये बेचारे काम करने लगे, और इनकी मेहनत की वजह से अब यूरोपियन मार्केट्स जो थे वहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई, और इस तरह से वहाँ जो है ये जो डिमांड थी इंडिगो, शुगर या टी की, वो डिमांड जो है ग्रोइंग डिमांड वहाँ अफ्रीका की, इस यूरोप की पूरी हो गई। इस तरह से ये स्लेव ट्रेड जो है, इस तरह से लोगों के साथ जुल्म होता था, ये स्लेव ट्रेड जो है ये चलता रहा। और इसके पर हम क्या देखते हैं कि अब जब
रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन फ्रांस में आया, तो रेवोल्यूशन में अब ये बात भी आई, अब डिबेट्स होने लगे कि हमने जो इंडिविजुअल राइट्स इंसान को दिए हैं, तो इंडिविजुअल सिटीजन अपने फ्रेंच सोसाइटी में जो हमने राइट्स इक्वलिटी ऑफ राइट्स दिए हैं, तो क्या इन ये जो राइट्स जो हैं, तो ये राइट्स हमें कॉलोनीज में जो हमारे जो अवाम है, क्या इन राइट्स को हम कॉलोनीज तक भी एक्सटेंड करेंगे या नहीं, तो इस पर डिबेट्स चले। लेकिन 18th सेंचुरी तक कोई बात इन पर नहीं हो सकी, क्योंकि बिजनेसमैन का ग्रुप जो था ये इस स्लेव ट्रेड पर बहुत डिपेंड था। फ्रांस में जो बिजनेस क्लास जो था, इनकी जो बिजनेस थी, इसका सारा डिपेंड जो था इस स्लेव ट्रेड पर था। ये लेबर जो वहां मजदूरी करते थे, काम करते थे, और इनकी वजह से ये एक्सपोर्ट, ये माल जो आता था, ये इंडिगो, शुगर और टी वगैरह, जो ये मतलब मर्चेंट्स मर्केंटाइज या जिसको हम कहेंगे ये सल्फ सामान जो आता था वहां से अफ्रीका को, और इस तरह से इनकी बहुत बड़ी बड़ी ये जायदादें बनती थी, और ये मर्चेंट्स की वजह से अब जो है हुकूमत इनके खिलाफ ज़रा कह नहीं सकती थी। लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि 1794 में एक कन्वेंशन 1794 का जब कन्वेंशन लगा, नेशन असेंबली जो फ्रांस की नई नेशन असेंबली थी, तो उसमें जब कन्वेंशन लगा और इस चीज को डिबेट किया गया कि हमें जो है ये राइट्स जो हैं इसके लिए हमें अपने कॉलोनीज तक को एक्सटेंड करना चाहिए, और इस तरह से कॉलोनीज जो हैं अब इन्होंने इक्वलिटी ऑफ मैन एंड इंडिविजुअल और कॉलोनीज तक भी इसको एक्सटेंड किया गया। ये 1794 में ये कानून बनाए गए कि इस तरह से राइट्स जो हैं अब स्लेव्स जो कॉलोनीज में जो इनके लोग थे जिन पर इनका कब्जा था वहां भी ये पहुंचा। और लेकिन स्लेवरी तो भी खत्म नहीं होगी, स्लेवरी फ्रांस में 1848 में असल में ये जो एबॉलिश हो जाती है। लेकिन इसके गाइडिंग प्रिंसिपल जो थे वो नेशनल असेंबली और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है आगाज बने थे, और इसमें इस पर डिबेट्स हुए और इस पर डिस्कशन हुए। जब फ्रांस में ये जो राइट्स मिले, तो इस तरह इन्होंने कोशिश की कि कॉलोनीज तक इसको एक्शन किया जाना चाहिए, और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह ये हुआ। और इतना ही नहीं, बल्कि इससे पहले, रिवॉल्यूशन से पहले जो सेंसर, एक प्रिंट पर जो सेंसर था, न्यूज़पेपर्स पर एक सेंसरशिप था, वो सेंसरशिप भी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी एक्सटेंड हो गए। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आया, पॉलिटिकल राइट्स भी लोगों को मिले, और औरतों को भी पॉलिटिकल राइट्स, ये जो हम कहते हैं कि बहुत लॉन्ग स्ट्रगल के बाद उनको मिलते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि फ्रांस में भी बहुत लेट इनको ये पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये एबॉलिश, जो फ्रांस सोसाइटी में जो स्लेवरी जो एबॉलिश होती है, ये 1848 में हो जाती है। और इस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस पर भी ये पाबंदियां हट जाती हैं, और इस तरह से इंसान को अब जो है अपने ख्यालात का खुलेआम इजहार करने लगा, अब कोई पाबंदी नहीं थी, और इस तरह से पॉलिटिकल फ्रीडम जब इंसान को मिला, तो हम देखते हैं कि फिर आम लोगों ने कभी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज की, अब इस पर कोई ये पाबंदी नहीं थी, कभी किसी इवेंट के बारे में अब लोग खुलकर डिबेट करने लगे, तो इस तरह से इन पर कोई पाबंदी नहीं। और इस तरह से अब आम लोग जो थे, जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज जो बड़े बड़े स्कॉलर्स के थे, ये जो रेशनल थिंकर्स जो थे, फिलासफर जो थे, जो सिर्फ अभी महदूद तबके तक जो थी उनकी बातें पहुंची थी, लेकिन प्रिंट की वजह से अब ये इन लोगों तक भी पहुंची, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, अब सब लोगों ने खुलकर यानी अपने ख्याल का इजहार करना शुरू किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बाद जो है ये रिवॉल्यूशनरी रिजीम, ये जो जैकोबिन के बाद जब दूसरी मिडिल क्लास का तबका आता है इस फ्रांस में, और इसके बाद जो नेपोलियन 1804 में वहां का एम्परर बनता है फ्रांस का, तो उसने भी कुछ एडवोकेट किया, ये जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज जो फ्रांस में थे इनको उसने एडवोकेट किया। लेकिन उसने भी इस बर्थ प्रिविलेज को ख़त्म किया, और उसने भी कुछ रिफॉर्म ऐसे किए, यानी कि उसने यूनिफॉर्म, वो जो वेट्स एंड मेजर्स वहाँ कायम किए, और इस तरह से इतना ही नहीं, बल्कि फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस पर भी उसने भी इस पर काम किया। और वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, जिसकी
वजह से ये पूरे यूरोप में ये एक नेपोलियन के बाद भी ये जो है ये इनके जो ये रिफॉर्म्स थे, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये एबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी, और ये जो हम देखते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है और ये बर्थ प्रिविलेज जो है इनको एबॉलिश किया गया, तो नेपोलियन ने भी इन चीज़ों को एडवोकेट किया। लेकिन स्लेवरी जो है नेपोलियन जो इस 1794 के इस लेजिस्लेचर ने, इस कन्वेंशन ने जो स्लेवरी को ख़त्म किया था, लेकिन 10 साल के बाद नेपोलियन ने इस स्लेवरी को फिर लागू किया। तो इस तरह से फ्रांस में नेपोलियन ने अपने मफाद के लिए इस स्लेवरी को फिर यहाँ जिंदा किया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी, इक्वलिटी और ये जो एवॉल्यूशन ऑफ ये जो प्रिविलेज हैं इनको ख़त्म किया। तो इस तरह से कुछ इक्वलिटी बिफोर लॉ और यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे, कुछ ऐसे ये जो रिफॉर्म्स थे जो जिस जो नेपोलियन ने भी उनको कायम रखा, और पूरे यूरोप में इन चीज़ों की वजह से कुछ डेमोक्रेट्स राइट्स जो थे तो ये पूरे यूरोप में मशहूर हो गए। और नेपोलियन के मरने के बाद भी, उसके जाने के बाद भी ये प्रिंसिपल जो हैं यूरोप में मानी गई, और ये जो ये राइट्स जो हैं यूरोप में जिंदा रहे। और इस तरह से हम देखते हैं कि फिर आखिरकार ये नेपोलियन जो है ये वाटरलू में डिफीट खा जाता है, क्योंकि इसके डिजाइन को जब समझा गया तो कुछ कंबाइंड फोर्स जो है, तो उन ममालिक ने, क्योंकि ये जो नेपोलियन अपनी ये जो रूल जो है ये एक्सटेंड करना चाहता था नेबरिंग कंट्रीज तक, तो ये पूरे यूरोप को अपने कब्जे में करना चाहता था, तो इसके इस डिजाइन को सोचकर कुछ यूरोपियन कंट्रीज आपस में यूनाइट हो गए, और इन्होंने वाटरलू की जंग में 1815 में इसको डिफीट दी, और इस तरह से नेपोलियन का दौर भी ख़त्म होता है। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज़ उसने भी एडवोकेट किए थे, और जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ थे वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे, वो लैंडमार्क रहे पूरे यूरोप के लिए, और जो आज भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम राइट्स जो हैं वो आजकल के इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जो आज हैं, आज वो जो है फंडामेंटल राइट्स के तौर पर तस्लीम किए गए हैं। तो ये आज इस हवाले से था कि किस तरह से फ्रांस में जो है ये स्लेवरी जो है ये एबॉलिश हो गई। तो शुक्रिया। इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये कम्प्लीट होता है।